ओम या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी भगवती के श्री चरणों में नमन करके आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राजज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान शनिदेव का, आपके पितरों का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के विशेष राशिफल की। आज शनि जयंती है, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है, किसी और चैनल में इस तरह की जानकारी नहीं दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 19 मई 2023। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। आज देव पितृ कार्य अमावस्या मनाई जाएगी। भावु का अमावस्या आज के दिन ही मनाई जाएगी। शनिश्चर जयंती आज के दिन ही मनाई जाएगी। वट सावित्री व्रत आज के दिन ही संपूर्ण होगा। बड पूजन इन सब का आज बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। आज ऐसे दुर्लभ संयोग में बड़ वृक्ष के पूजन से, पूर्वान काल में पितरों के निमित्त तर्पण कर्म से, दान करने से निश्चित तौर पे आपके सभी कष्ट दूर होंगे। शनि जयंती आज के दिन ही मनाई जाएगी। शनिदेव की पूजन अर्चन करना, व्रत करना, उपाय करना निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में आ रहे नव ग्रह जनित दोषों से, शनि जनित दोषों से, काल सर्प दोष से, पितृ दोष से आने वाले अनचाहे बुरे समय और गंभीर विपत्तियों से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। पूजन विधि क्या रहेगी जल्दी से उसको समझ लेते हैं। क्योंकि आज भावु का अमावस्या है, देव पितृ का अमावस्या है, वट अमावस्या है, तो आज के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने से, वट वृक्ष की परिक्रमा करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमाएं करें और प्रत्येक परिक्रमा में अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी वस्तु चढ़ाइए, चाहे फल चढ़ाइए, चाहे कुछ भी चढ़ाइए। प्रदक्षिणा के समय 108 फल अथवा जो भी वस्तु आपने ली है दान के लिए उसे अलग रखकर समापन के समय में वो सभी वस्तुएं जरूरतमंद या छोटी कन्याओं के अंदर उसको वितरित कर दीजिए। आज घर के अंदर पितरों के निमित्त भोग में पूड़ी बनाइएगा, खीर बनाइएगा, आलू की सब्जी बनाइएगा। पहले भगवान को भोग लगाइएगा, फिर पितरों को अर्पण कीजिएगा। तत्पश्चात में आज अमावस्या के दिन भोजन, ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाइएगा। उसके पश्चात ही प्रसाद स्वरूप परिवारजन स्वयं भी भोजन को ग्रहण कीजिएगा। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होगी। और आज संध्या काल में भगवान शनिदेव के मंदिर में शनिदेव की पूजन अर्चन अवश्य कीजिएगा। काले तिल हुए, काले उड़द हुए, काली मिर्च हुई, मूंगफली का तेल हुआ, अचार हुआ, लौंग हुआ, तेज पत्ता हुआ, काला नमक हुआ, इन सामग्री का शनि मंदिर में दान कीजिएगा, डाकोत को दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपके जीवन में जितने अमंगल हैं वो दूर होंगे और मंगल का प्रवेश होगा। आइए जान लेते हैं देश और दुनिया पर शनि जयंती का शुभ और अशुभ प्रभाव। क्या कहती है आज की शनि जयंती देश और दुनिया के लिए। आज शनि जयंती कृतिका नक्षत्र में मनाई जाएगी। कृतिका नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं और शनि भगवान जो है वो सूर्य देव के पुत्र हैं। इसके बावजूद शनि और सूर्य एक दूसरे से शत्रु भाव रखते हैं, पिता पुत्र का रिश्ता है लेकिन वैचारिक मतभेद रहता है। कृतिका नक्षत्र में शनि जयंती आने से आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
भूस्खलन होता हुआ दिखाई देगा, भूकंप का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पूर्वोत्तर राज्यों में और देश के कई भागों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है। आने वाले समय में सत्तासीन पार्टियों को बहुत मेहनत करनी होगी, राजनीतिक पार्टियों को। जनता को ऊपरी तौर पर राहत मिलती हुई दिखाई देगी, तेल के मूल्यों में गिरावट होती हुई दिखाई देगी। तो शनि जयंती का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया। आइए आप जान लेते हैं शनि जयंती पर आपकी राशि के अनुसार भगवान शनि को प्रसन्न करने वाले कुछ बेहद सरल उपायों के बारे में। जल्दी से लिखते जाइएगा, ये उपाय कोई भी राशि वाला कर सकता है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शनि जयंती के दिन सरसों के तेल का दान दरिद्र नारायणों को कीजिएगा, गरीब व्यक्तियों को दीजिएगा। एक कटोरे के अंदर एक बाउल के अंदर तेल भरकर उसमें अपनी परछाई छाया देखिएगा और फिर उस तेल को दान कर दीजिएगा कटोरे समेत। हनुमान जी महाराज को आज चोला चढ़ाइएगा। निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से, साढ़े साथी से, ढैया से, शनि के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज शनि जयंती के दिन यथाशक्ति गरीबों को अन्न का दान कीजिएगा। श्रद्धा अनुसार ज्वार ले लीजिएगा, 1 किलो, 10 किलो, 11 किलो, 21 किलो, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो 11 किलो ज्वार लेकर गौशाला के अंदर गौ माता के भोजन के लिए दान कर दीजिएगा। रात के समय, संध्या समय होने के समय पीपल के वृक्ष के चारों तरफ शुद्ध देशी घी के दीपक जलाइएगा और उड़द की दाल का छिड़काव कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। चाहे ढैया हो, चाहे साढ़े साथी हो, चाहे नीच का शनि हो, अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शनि जयंती के दिन उड़द के आटे की गोलियां बना लीजिएगा। उड़द के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइएगा। शनि जयंती पर वीर हनुमान जी के स्वरूप की पूजा अवश्य कीजिएगा। लोहा, काला तेल, छाता, जल इत्यादि का दान आज आपको करना है। निश्चित तौर पर शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में शुभता का संचार होगा। राशिफल तो जान ही रहे हैं, आज विशेष शनि जयंती के दिन हमारे कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हार्दिक जी हैं जयपुर से, प्रश्न पूछिए बेटा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर। हार्दिक सिंह नाम है। जी जी। डेट ऑफ बर्थ है 14/11/1986। 14/11/1986। 86। हाँ। समय? टाइम है सुबह 5:20 का। प्रश्न क्या है बेटा? प्रश्न ये है साहब, महाराज की मेरे की कोर्ट केस चल रहा है एक नौकरी से रिलेटेड काफी टाइम से, तो ये हमारे पक्ष में हो जाएगा सरकारी नौकरी का, हो जाएगा हमारा, और आगे समय कैसा रहेगा? देखिए बेटा, जहां तक हार्दिक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, राइट नाउ यू आर पासिंग फ्रॉम नेगेटिव टाइमिंग, चंद्रमा की महादशा, राहु का अंतर, ये पीरियड चल रहा है आपका मार्च 2022 से एंड इट विल रिमेन टिल सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 तक कोर्ट कचहरी में कोई विशेष सफलता आपको प्राप्त होती हुई नहीं दिखाई देगी। आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य नीच राशि का है, द्वादश भाव में केतु भी बैठा है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच राशि का हो जाता है, व्यर्थ का अपमान, कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा इत्यादि होती है। एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ के अंदर धारण कीजिएगा रविवार के दिन। रविवार का फास्ट करना शुरू कीजिए। काल सर्प दोष है, उज्जैन या नासिक जाके सर्प दोष की विधिवत शांति कराइए और उसके साथ साथ नियमित रूप से रविवार के दिन लाल रंग की गौ माता को धोबा भर के गेहूं खिलाइए या यथाशक्ति उसकी सेवा कीजिए। आपका गोल्डन पीरियड सितंबर 2023 के बाद शुरू होगा एंड देर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। 1.25 रत्ती का पन्ना रत्न छोटी उंगली में धारण करके रखें, भाग्यश बुध अस्त है, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम भटिंडा से। पूछिए बेटा क्या प्रश्न है आपका? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे बेटा। गुरु जी 16 अगस्त 2002 16 अगस्त 2002 और रात के 1:45 पे, ये 16 की रात है, 15 की रात है? 15 की रात है। प्रश्न पूछो बेटा। गुरु जी मेरी भतीजी है, ये ना कहना नहीं मानती और ये ना हमारी मर्जी से शादी करना चाहती है।
अगर इसने शादी कर ली तो ये खुश रहेगी? देखिए बेटा, जहाँ तक इसकी जन्म कुंडली का सवाल है, अभी तो बहुत ज्यादा छोटी बच्ची है ये, और इसकी कुंडली में मंगल नीच राशि का है, साथ में शुक्र भी नीच राशि का है, और साथ में चंद्रमा भी नीच राशि का है। 9 में से 3 ग्रह कुंडली में नीच राशि के हैं। इसके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। अभी अगस्त 2023 तक इसका समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल की शांति करवाएं, शुक्र की शांति करवाएं, चंद्रमा की शांति करवाएं। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ें नहीं खिलानी है। मंगलवार को लाल कपड़े नहीं पहनने हैं, और शुक्रवार को माता जी के मंदिर में दर्शन करना है। सरल उपाय कीजिएगा, मेरे हिसाब से ये सही समय नहीं है विवाह का, और अरेंज मैरिज करें, और विवाह कम से कम इसको 2 साल पश्चात में करना चाहिए, नहीं तो इसके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएगा। योग्य आचार्य के निर्देशन में सबसे पहले ग्रह शांति करवाएं, उज्जैन या नासिक जाके कालसर्प दोष की पूजा अवश्य कराएं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आदित्य जी हैं उड़ीसा से। पूछिए आदित्य जी, आपका क्या प्रश्न है? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। 28/10/1991 10:19 रात्रि 10:19 रात्रि जी, प्रश्न पूछे। विवाह का योग कब तक है और आगे सीरियल कैसा रहेगा? देखिए आदित्य जी, जहाँ तक ये जन्म कुंडली का सवाल है, शनि की माँ दशा चल रही है, और शनि की माँ दशा में भी राहु का अंतर चल रहा है 2021 से। राहु मतलब सर्प, सर्प और वो राहु इसके दाम्पत्य भाव में बैठा हुआ है। विवाह हो भी जाता तो विवाह में अड़चने आती, रुकावटें आती, विवाह सुख में कमी होती, विवाह टूटने के भी आसार बनते। अब ये पीरियड राहु का खत्म होता है अगले वर्ष अप्रैल 2024 में, उसके पश्चात इसके जीवन में वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। तो अगले वर्ष तक अगर रुक सके तो बहुत अच्छी बात है, निश्चित तौर पे इसका नेक्स्ट ईयर इसका विवाह भी हो जाएगा, दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होगा। कुंडली के अंदर सूर्य नीच राशि का एक तांबे का कड़ा पहना के रखें, और राहु के लिए रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, या मछलियों को आटे की गोलियां बना के खिलाएं। अप्रैल 2024 के पश्चात इस बच्चे का जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे बढ़ते हुए बची हुई राशियों की, चूंकि आज देव पितृ कार्य अमावस्या, भावुक का अमावस्या, शनि जयंती का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। तो आप अपनी राशि के अनुसार ऐसा क्या दान करें जिससे शनि जनित दोषों से मुक्ति मिले, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिले, एक्सीडेंटल योग से मुक्ति मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, शनि जयंती के दिन आज शिवलिंग पर बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शिव मंदिर जाइएगा, बिलपत्र चढ़ाइएगा, गरीब और अपाहिजों को आज भोजन अवश्य कराइएगा यथाशक्ति, और गौशाला चले जाइएगा, काले रंग की गाय वहां पे उपलब्ध होगी, काले रंग की गौ माता को हरी सब्जी खिलाइएगा, हरी घास खिलाइएगा, और काले रंग के कुत्ते को आज रोटी अवश्य खिलाइएगा। निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में शुभता का संचार होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शनि जयंती के दिन माँ भगवती के शी चरणों में गुलाब के 108 पुष्प अर्पण कीजिएगा, गुलाब के 108 पुष्प माता जी के शी चरणों में अर्पण कीजिएगा, भगवान शनिदेव के शी चरणों में आज सरसों का तेल या तिल्ली का तेल अर्पण कीजिएगा, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा। पारद शिवलिंग अगर आपके पास उपलब्ध हो तो पारद शिवलिंग के सामने बैठकर 108 बार ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीये मां मृता, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शनि जयंती के दिन वट वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे जल का अर्थ प्रदान कीजिएगा, उसकी जड़ों में तवा, अंगीठी, काले कपड़े का दान करना आज आपके लिए शुभ रहेगा, और उसके साथ साथ निर्धनों के मध्य या पुष्ट आश्रम में चले जाइएगा, चावल की बोरी का यथाशक्ति दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में शुभता का संचार होगा। एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, जयप्रकाश जी हैं नागौर से। पूछे जयप्रकाश जी, क्या प्रश्न है आपका? जयप्रकाश जी,
मीनाक्षी जी आप जुड़ी हुई है हमारे साथ, आप पूछ सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे बेटा। हाँ जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म 26 जून 2002 में हुआ था, बीस में। 26 जून 2002 2020। अच्छा। हाँ जी, सुबह का समय है 10:57 पे। अच्छा। हाँ जी, वो जिद्दी बहुत है, और उसका आगे का भविष्य क्या होगा? ऐसा है बेटा मीनाक्षी, जहाँ तक आपके बच्चे का सवाल है, इसकी जन्म मांगलिक कुंडली है, ये इसकी कुंडली में मंगल है, तो मंगल की एक स्वाभाविक उसका करेक्टर रहता है, थोड़ा एडामेंसी रहती है, जिद रहता है, गुस्सा रहता है। कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन कुंडली में पितृदोष आया है, सूर्य राहु का ग्रहण योग पितृदोष कहलाता है। आपके घर में पितरों का दोष है, पितरों के निमित्त शुद्ध देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास अवश्य जलाइए। चांदी का चंद्रमा इसके गले के अंदर डाल के रखिए। पीले रंग इसको नहीं पहनाना है, पीला रंग गुरु नीच का है, इसलिए पीला रंग नहीं पहनाना है। कुंडली बहुत अच्छी है, इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है, सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल कर सकता है। कुंडली में कोई दोष नहीं है, मंगल है, वो एक करैक्टर है, आप परेशान मत होइए। ये बच्चा आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आप आज शनि जयंती विशेष राशि फल की जान रहे हैं। आज अपनी राशि के अनुसार ऐसा क्या दान करें जिससे आने वाला समय शुभता से भरा रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे की राशियों की बात करते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शनि जयंती के दिन छोटी कन्याओं के अनाथाश्रम में चले जाइएगा, वहां पे यथाशक्ति दूध और दही का दान कीजिएगा। आज शनि जयंती के दिन सरसों के तेल या फिर काले तिल का दान अवश्य कीजिएगा। हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन करके हनुमान चालीसा की पुस्तक का दान किसी भी मंदिर में कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन में शनि जनित दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी और शुभता का संचार होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शनि जयंती के दिन नैतिकता का दामन पकड़े रहिएगा, ध्यान रखिएगा। किसका दामन? नैतिकता का दामन। और क्या करना है? पीपल के पेड़ में जल का अर्घ प्रदान करना है। और क्या करेंगे? साबुत मसूर किसी सफाई कर्मचारी को दान में देंगे, निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, आज शनि जयंती के दिन क्या करना है? अंधे व्यक्तियों को भोजन कराना है, निश्चित तौर पर लाभकारी रहेगा। और क्या करेंगे? चने की दाल कुष्ठ रोगियों के आश्रम में दान करके आएंगे, यथाशक्ति 5 किलो 7 किलो 11 किलो। शनि देव के श्री चरणों में पीले पुष्प, पीला गुलाब का पुष्प आज अर्पण करेंगे, निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी, जीवन में शुभता का संचार होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, कल्पना जी अजमेर से प्रश्न पूछे बेटा। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं अपने पोते के लिए पूछना चाहती हूँ, वो 22 अक्टूबर 2020 को हुआ था। 22 अक्टूबर 2020 और सुबह 10:18 पे। उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता, बोलता भी नहीं है, समझता भी नहीं है अभी, और आगे इसका कैरियर कैसा रहेगा? बहुत परेशान है हम इसके स्वास्थ्य के लिए, बहुत बीमार रहता है। देखिए बेटा कल्पना, जहाँ तक ये बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा में राहु का अंतर अभी खत्म हुआ है, इसका पैदा होते ही राहु के अंतर में था, इसलिए इसके कारण इसके स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था। लेकिन चूंकि इसकी कुंडली में सूर्य नीच राशि का है और शुक्र की राशि पे बैठा है, जितना संभव हो इस बच्चे को तांबे के बर्तन का पानी पिलाइएगा। एक तांबे का छोटा सा कड़ा बना के सीधे हाथ में डलवा सकते हैं, या तांबे के बर्तन का पानी पिलाइए। जितना इसका वजन है उस वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कराइएगा। बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, गज केसरी योग है, साथ में शनि विषभ राशि का है। आपके परिवार में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा। एक दक्षिणावर्ती शंख रख लीजिएगा घर में, पूजा स्थान में जल भर दीजिए, तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, 24 घंटे बाद उस जल और तुलसी के पत्ते का सेवन इस बच्चे को कराना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पर बच्चे की वाणी वापस अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी, बोलना शुरू हो जाएगा। गौ माता के चरणों की रज का टीका प्रतिदिन इस बच्चे के मस्तक पे लगाइए, गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। एक और कॉलर विशन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, जोधपुर से प्रश्न पूछे विशन सिंह जी। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, एक तो मेरे विवाह में बहुत बाधा आ रही है। तारीख समय बताएं।
हाँ जी पंडित जी, 19 अगस्त 1984 रात्रि 12:05 19 की रात है। हाँ जी देखिए विशन जी, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, चूंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर 18 साल की राहु की महादशा आपको चल रही थी, वो राहु की महादशा नवंबर 2022 में खत्म हुई है, तत्पश्चात में अब गुरु की महादशा शुरू हुई है, जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। आप कहेंगे हमें तो उसका असर दिख नहीं रहा है, कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में कभी भी शुभ परिणाम नहीं देती है, गुरु में गुरु का अंतर जनवरी 2025 तक रहेगा, उसके पश्चात आप जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपकी कुंडली में विवाह का सुख निश्चित तौर पर है, उज्जैन या नासिक या गया जाके पितरों के निमित्त श्राद्ध करके आइए, पितरों के निमित्त जो है वो तर्पण कर्म कीजिए, निश्चित तौर पर अगले एक वर्ष में आपको दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। एक और कॉलर शिव प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए जयपुर से, प्रश्न पूछे शिव प्रकाश जी। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। पंडित जी निवेदन कर रहा था, मेरा छोटा बेटा है हिमांशु जी, डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 2006। 29 जून 2006 प्रातः करीब 11:30 के बीच में। अब उस सीनियर बायोलॉजी से कर लिया, अब उसके लिए क्या करना चाहिए और किस क्षेत्र में जाएगा ये बताना। देखिए जहाँ तक इस बच्चे का जन्म है शिव प्रकाश जी, अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, आशा करते हैं पैदा होते ही आपने 27 दिन के मूल शांत कराए होंगे, यदि नहीं करवाएं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति करवाइए। भाग्य स्थान का स्वामी मंगल नीच राशि का है, लाल रंग से दूर रखिए, भाग्य की प्रधानता रहती है। 6.25 रत्ती का सफेद मूंगा, उसका पेंडेंट या उसकी अंगूठी अनामिका उंगली में चांदी में पहना दीजिए, चांदी की चैन पहना के रहिए, लाल कपड़ों से दूर रखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाइए, हनुमान जी की आराधना करना सिखाइए। ये बच्चा यूपीएससी क्लियर कर सकता है, ये बच्चा जो है सरकारी नौकरी में बड़ा अफसर बन सकता है, ये लॉ के सेक्टर में जा सकता है, मैनेजमेंट के सेक्टर के अंदर इसको तरक्की उन्नति मिल सकती है, इंजीनियर डॉक्टर भी बनना चाहे तो वो भी बन सकता है, क्योंकि इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है। शुक्र की महादशा कुंडली बहुत अच्छी है, योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल युति दोष की पूजा कराइएगा, निश्चित तौर पे लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हुए बची हुई राशियों की, आज हम बात कर रहे हैं शनि जयंती विशेष राशिफल की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शनि जयंती के दिन पक्षियों को यथाशक्ति बाजरा खिलाइएगा, बाजरा डालिएगा, पीपल के वृक्ष की आज पूजन अर्चन कीजिएगा और वहां पर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके परिक्रमा कीजिएगा। काला रंग या नीले रंग के वस्त्र, काले तेल, काली शॉल या काला कंबल इत्यादि का दान गरीबों के मध्य में कीजिएगा, दरिद्र नारायण को दीजिएगा, शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की, कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शनि जयंती के दिन 800 ग्राम दूध अपने ऊपर से 8 बार उसार कर 800 ग्राम काले उड़द के साथ बहते हुए पानी के अंदर प्रवाहित कर दीजिएगा, बहता हुआ पानी नहीं मिले तो पीपल के वृक्ष में उसको विसर्जित कर दीजिएगा। काले तिल, लोहा, काला वस्त्र, काला कंबल, छाता, जूता, चप्पल इत्यादि का दान आज आपको करना है और गरीब व्यक्तियों के बीच में दरिद्र नारायण को काले गुलाब जामुन आज अवश्य खिलाइएगा, निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी। अंतिम जो राशि है मीन राशि, आज शनि जयंती के दिन मिट्टी के पात्र में शहद भरकर मंदिर में दान कर दीजिएगा, शनि जयंती पर आज पीले वस्त्र, पीली हल्दी, केसर, विष्णु चालीसा का दान कीजिएगा, निर्धन लोगों को फल और रस का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर शनि जनित दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं आज माता और बहनों के बहु प्रतीक्षित किचन कवच के बारे में। तो आज क्या करना है रसोई घर में, स्नान करके पानी के मटके के पास शुद्ध देशी घी का दीपक पितरों के निमित्त जलाइएगा, पितरों के निमित्त खीर पूड़ी आज बनाइएगा, पितरों को भोग लगाइएगा, गौ माता को, कौओं को, कुत्ते को, चींटियों को और भिक्षुक को भोग अर्पण कीजिएगा, आज ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाइएगा और संध्या समय में आलू और बैंगन की सब्जी बनाइएगा और पूड़ी भी बनाइएगा, सरसों के तेल में ध्यान रखिएगा और वो आलू बैंगन और पूड़ी जो है ये सब ले जाके शनि मंदिर के बाहर बैठे जो दरिद्र नारायण हैं उनको भोजन के रूप में वितरित कर दीजिएगा, क्या होगा, मिलेगी पितृदोष से मुक्ति और क्या होगा, शनि जनित दोषों से परमानेंट
मुक्ति प्राप्त होगी। तो आज का ये सरल सा गुड लक टिप्स आपकी शनि जनित दोषों से मुक्ति दिला सकता है। चलिए अब समय हो गया है और कल फिर नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।